Pallavi Ahluwalia, Managing Attorney of Ahluwalia Law Offices, a premier boutique law firm based in Dallas with an East Coast office. Practice in areas of corporate, immigration, and family law matters. It's your first choice, second opinion law firm. Call us. Let's talk. Contact us at 972-361-0606. That's 972-361-0606. ऐसे लग रहा है कुछ पहने नहीं मैंने, इतना ही फ्रेम है। आई थिंक प्रोमो से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि बहुत मज़े किए हम लोगों ने सेट पे और हमारी केमिस्ट्री एक्चुअली बहुत अच्छी है, तो आई एम रियली एक्साइटेड कि मैं रोज़ सेट पे जाऊं और खूब सारी मस्ती करूं और बच्चों से कितना कुछ सीखने को मिला है मुझे इस शो से, और मुझे लगता है कि लोगों को भी बहुत बहुत पसंद आएगा, क्योंकि जो बच्चे बोल जाते हैं ना कभी कभी वो सोच के नहीं बोलते, तो उसमें वो जो कंटेंट मिलता है बहुत कमाल का होता है। इट्स रियली एक्साइटिंग। शिल्पा जी, जैसे आपने कहा कि आप अपने बच्चे को ये शो दिखाने वाली है, तो आप चाहती हैं कि आपका बच्चा भी फ्यूचर में डांस करे, ऐसी कोई आशा है आपकी? डांस तो करता है वियान, मैंने देखे हैं वीडियो, सुपर करता है। शट अप, ही इज गोना हेट यू आफ्टर द शो। या ही गीता बोलती रहती है, आई डोंट थिंक योर सन इज गोना लाइक यू, क्योंकि जब कुछ बच्चों को हम लोगों को ना बोलना पड़ता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। ना नहीं, हाँ भी प्यार से इतने ये शो की रोंदू जज है, रोंदू, मैं रोंदू जज हूँ, शी इज अ रोंदू जज, मुझे रोंदू जज करार कर दिया गया है। अनुराग जी, आप क्या कहना चाहेंगे, आपके लिए कितना मुश्किल हुआ, हालांकि शिल्पा तो काफी इमोशनल हो गई थी शो को लेकर, आपने भी पहले ड्रामेबाज किया है, तो क्या कहना चाहेंगे, आप तो काफी कॉन्फिडेंस, बस मैं अपने वो क्या था वो फाड़ने की कोशिश की। अच्छा नहीं, बस मैं अपने गट फील के साथ जाता हूँ एज ए दर्शक, एज ए मैं अपने दर्शक, एक्चुअली मैं दर्शक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जस्ट के कुर्सी में, जो मुझे अच्छा लगता अच्छा लगता है, जो नहीं लगता नहीं लगता। कई बार तकनीकी चीज़ें जो छोटी मोटी वो गीता हेल्प कर देती है, लेकिन आई जस्ट गो विथ माई फीलिंग, कि डांस जो है इमोशंस है, अगर मतलब इट इज़ फेल्ट इन द डांस एंड आई विल ऑल्सो फील इट, जब फीलिंग नहीं होती है तब मैं मना कर देता हूँ। ये ऐसा बोलते हैं कि मुझे ज़्यादा पता है, एक्चुअली इनकी नॉलेज डांस के बारे में काफ़ी अच्छी है। कन्फेटी है बाल पे, बस यही चलता रहता है पूरा दिन सेट पे, एंड शी इज रियली टेकिंग केयर ऑफ अस मोर देन द चिल्ड्रन। आई थिंक इट्स एक्साइटिंग कि हम इनके साथ रहें, ये सिर्फ अभी ये सब कर रही है, वहाँ पे सिर्फ खाना छीनती रहती है, खाना खाने के वांदे हो गए हमारे नाम खराब होते हैं, लेकिन एक चीज़ अच्छी आएगी इसमें से कि वी विल गेट वन टू एंजॉय द कंपनी ऑफ ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, इनोसेंट चिल्ड्रन, देयर प्योरिटी, वी गेट टू एंजॉय द कंपनी ऑफ ईच अदर विच इज़ ब्यूटीफुल मेड, आई थिंक रियली रियली नाइस फ्रेंड्स ऑन द शो। मैं रिक्वेस्ट करूँ कि एक और मेल जज, भारी पड़ते मेरे दोनों मेरे पे, तो इनको जब प्रोड्यूसर को मैंने रिक्वेस्ट किया कि एक और मेल जज मेरे साथ कर दे, मुकाबला नहीं कर पाता दोनों का। व्हाट अ बिच, हां थोड़ा सा वो लोग, इसके अलावा बहुत सारे डांसिंग के शो आ रहे हैं, हालांकि छोटे बच्चों के शो नहीं है, लेकिन काफी सारे डांसिंग के शोज है टेलीविजन पर, तो लगता है कि मुकाबला होगा या ऐसा कुछ, या फिर क्या क्या दूसरे शोज में हम नहीं है जानी, हमारा शो देखिए। हाँ
बोले तो बच्चों के टैलेंट की बात करें तो डांसिंग को देखा जाए और एक्टिंग को भी देखा जाए तो बहुत टैलेंटेड बच्चे हो चुके हैं। और मूवी बच्चों की मूवी देखा जाए तो बजरंगी भाईजान देख ली जाए और तारे ज़मीन पर जितने भी बच्चों पे फिल्म बनी है सब सुपर हिट गई हैं। तो वो एक्टर बड़े एक्टर के साथ फिल्में बनाते तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता आगे चल के वो मतलब बच्चों को एज ए एक्टर लेना ज़रूरी हो जाए एक्टर के साथ बिग एक्टर के साथ। इतना लंबा सवाल क्या था मतलब एक बच्चे को चाइल्ड एक्टर शुड बी नेसेसिटी बिकॉज़ वैसा अभी वो तो स्क्रिप्ट के ऊपर है। ये क्वेश्चन मैं अनुराग जी की तरफ डायरेक्ट करती हूं। क्या क्वेश्चन मुझे भी समझ में नहीं आया। चाइल्ड एक्टर लेना जरूरी हो जाएगा आगे जाके फिल्मों के साथ। अभी जैसे कहानी हो गई ऐसे नहीं कि हम चाइल्ड एक्टर लेना है करके कहानी ढूंढना शुरू करें तो वो तो मापदंड नहीं होता है। अभी मैं अगली बोल देता हूँ, ये प्लेटफॉर्म नहीं लिखी। जैसे मेरी अगली फिल्म है, मैं जब बर्फी जब स्क्रीनिंग हो रहा था, जब रिलीज़ हुई और जब वो दिखाई जा रही थी तो ट्रायल में, तब मुझे लगा कि सबको पसंद आएगा, मतलब इट इज़ फ्रॉम, बट मेरी बच्ची छोटी वाली उसको समझ में नहीं आया बर्फी एंड शी वॉज नॉट वेरी इम्प्रेस्ड। तो मुझे बड़ा दुख है यार, सब खुश है वो मेरी बेटी खुद। तो मैंने सोचा अगली पिक्चर ऐसे बनाऊँगा ताकि वो भी, तो जगह बच्चों की पिक्चर है उसमें सो तो जब मन करता है एक अंदर से स्क्रिप्ट आनी चाहिए, रिक्वायरमेंट होगा करेंगे लोग। अनुराग सर जैसे अभी आपने जगह स्टेयरिंग घूम गया है और बाद में करेंगे इसको बात कर लेता, अभी तीनों खड़े हैं। हाँ शिल्पा, डांस भी एक पार्ट ऑफ एक्सरसाइज है और योगा भी एक एक्सरसाइज है, तो आपको दोनों में से पहले किसी एक को चुनना पड़ा तो आप योगा चुनेंगे या डांस? बताओ ये हमको चुनेंगे योगा करने के लिए जो रोज ही हमको पिन करते रहती है। टेल गुड आइडिया। हां योगा या डांस, कम ऑन नाउ इज योर, दिस इज परीक्षा की घड़ी। डांस करने से पहले मैं योगा करूंगी। करना पड़ेगा ना वार्म अप के लिए, यू हैव टू डू समथिंग, सो यू हैव टू डू योगा। शी डज योगा बिफोर कमिंग ऑन सेट आल्सो एंड आफ्टर गोइंग अवे फ्रॉम सेट। व्हाट रबिश। यस डिडंट शी से इट दैट डे? व्हाट आई डू प्राणायाम आज रात को, मतलब पूरा दिन निकल गया। प्राणायाम करना पड़ता है मुझे कभी-कभी हमारी वजह से। हां हो गया, थैंक यू सो मच, लव, थैंक यू, थैंक यू। Sir Edie said, I work for the suffering of the common man, something I am very proud of, and I'll continue to do so. During my 34 years stay in America, I visited Pakistan about 25 times. And every time I saw disabled people begging on the intersections without any hope, and that brought tears into my eyes. It was my dream to do something for these helpless people. And finally, Allah has blessed me with an opportunity to help the underprivileged of our beloved country, and I started Helping Hearts, Caring Souls, a non-profit organization that empowers women, educate children, and enable the disabled. I have revived a disability center that not only provides physiotherapy to disabled people, but it also provides, or rather make, prostheses, give them counseling and vocational skills. It has an extensive program for the women to learn vocational skills so they can provide for their families. Adjacent to the disability center, there is a school where I would like to educate street children and children who are in forced labor. I took the initiative, but I cannot do it alone. Let's join hands to change a few lives to fulfill the purpose of our being. Please donate just $10 to Helping Hearts, Caring Souls by logging on to hhcsonline.org and click donate. Log on to hhcsonline.org and click donate. For more information, call Anjum at hhcsonline.org.